हाय गाइस, माय नेम इज शंसेगर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे हैं ओवरव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड, यानी कुछ रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स थे जिसके बारे में हम पिछले सेशंस में भी पढ़ रहे थे और उसका एक ओवरव्यू लेने की कोशिश कर रहे थे, ताकि आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के रूप में किसी कंपनी में जाएं तो ऐसा ना हो कि आप इन रेगुलेशंस के बारे में ना जाने। ये रेगुलेशंस बहुत डिटेल्ड है, कुछ तो बहुत डिटेल्ड रेगुलेशंस है। और अगर किसी, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड है, अगर आप कोविड को पूरी तरीके से आपने जान लिया तो आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम में के ऑडिट के एरिया में, आप एक एक्सपर्ट हो गए। अगर उन उस पूरे या ITIL की जो 5 किताबें हैं वो आपने पढ़ ली, या SAS 70s को पूरी तरह एसिमिलेट कर लिया, तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सपर्टीज आप में डेवलप हो जाएगी। यानी कि आप एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एक लोग आपको एक पर्टिकुलर एरिया के एक्सपर्ट बोल सकते हैं। लेकिन हमारी स्टडी में उतनी डीपली नहीं दिया है, उसमें एक ओवरव्यू दिया हुआ है और हमने जो है कई स्टैंडर्ड्स का ओवरव्यू पढ़ा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 जो है उसका ओवरव्यू पढ़ा, उसके बाद फिर हमने कोविड पढ़ा, उसके बाद हमने SAS 70 पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ा, ISO 17799 और ISO आपका 27001 और ISO 20,000, ये सारे हमने पढ़े, ये स्टैंडर्ड्स पढ़े। लेकिन अब हम जो है कोड्स या लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी स्टडी में सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट दिया है, जो इंडिया का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो था और बाद में जो अमेंड हो गया 2008 में, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ का कोड। सबसे पहला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यूनाइटेड नेशन कमीशन का जो कमीशन जो है इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में, वो यहाँ पर कहाँ आ गया? इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में कहाँ आ गया? ई कॉमर्स में कहाँ आ गया? मतलब बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम और या उसके एरिया में क्यों आया भाई? उसके लिए एक पर्टिकुलर कमेटी होनी चाहिए या पर्टिकुलर दूसरे साइंटिफिक जो यूनाइटेड नेशन का यूनेस्को है, साइंटिफिक जो चीज़ें देखता है, साइंस को प्रमोट करता है, उसने इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में आना चाहिए। यहाँ पर क्यों आया? हुआ कि 1996 तक ई कॉमर्स बढ़ता चला गया, ट्रेड बढ़ता चला गया, और जब ट्रेड बढ़ जाता है, जब कॉमर्स बढ़ जाता है तो एक रीजनेबल लेवल तक पहुंच जाता है, तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस वगैरह में, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं, वो रेजोल्यूशन स्पॉन्सर करती हैं और यूनाइटेड नेशन फिर प्रोएक्टिव हो जाता है। और वो यूनाइटेड नेशन ये चाहता है कि ट्रेड बढ़े, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि ट्रेड जो है वो ई कॉमर्स की तरफ जाने लगा। ट्रेड में क्या है कि इंफॉर्मेशन की वैल्यू बढ़ने लगी, एक एसेट बहुत महत्वपूर्ण हो गया जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एसेट। और इंफॉर्मेशन एसेट इंपॉर्टेंट हो गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, IT डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट हो गया, इंफॉर्मेशन एसेट को रखने के लिए पूरा एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाने लगा, और उसने ऑर्गेनाइजेशंस को एफिशिएंसी दी, बाकी चीज़ें ऑटोमेट होने लगी। और उसके अलावा क्या हुआ कि अगर मान लिया सपोज आप आज की डेट में एक IT डिपार्टमेंट को देखें, तो IT डिपार्टमेंट अगर आप उस IT डिपार्टमेंट को बेचने लगे, मतलब टुकड़े टुकड़े करके बेचने लगे, उसके हार्डवेयर अलग, सॉफ्टवेयर अलग, तो उसकी उस डिपार्टमेंट की उतनी वैल्यू नहीं होगी। अगर IT एज अ होल को देखना चालू करें, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ेगी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लेवल कंबाइंड एक साथ होकर एक लेवल ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। जो एसेट है, वैल्यू ऑफ एसेट आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस एसेट की वैल्यू। तो कहने का मतलब ये, इन्फॉर्मेशन एसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता चला गया। बैंक्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्ट करने लगे, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल बैंक हैं, अगर जो मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज जो आजकल की डेट में ट्रांजैक्शन होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पर ट्रांजैक्ट होता है। अगर उसमें पेपर बेस्ड करेंगे तो बहुत मेहनत लग जाएगी, और पेपर बेस्ड करेंगे तो क्या है कि अगर मैं यहां से US जाऊंगा और अकाउंट से पैसे निकालना चाहूंगा, वहां पर वहां के ATM से पैसे निकालना चाहूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर पेपर बेस्ड हम चलेंगे। तो पेपर बेस्ड हमें नहीं चलना है, पेपर बेस्ड चलने से तो हैसल्स होंगे, जो ईज ऑफ बिजनेस नहीं होगा। तो बिजनेस बढ़ने लगा और ई कॉमर्स बढ़ने लगा, स्टॉक मार्केट इलेक्ट्रॉनिक हो गए वर्ल्ड वाइड, और धीरे धीरे क्या हुआ कि और चीज़ों में भी कंपनीज जो हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगी, तो ई कॉमर्स के टर्म्स में कम्युनिकेट कर ली, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के रूप में कम्युनिकेट करने लगी। एक मल्टीनेशनल कंपनी कई जगह होती थी, तो क्या होता था कि हर एक उसकी पूरी वर्ल्ड वाइड ERP सेम होती थी। मतलब इंडिया में हो, अगर मान लीजिए सपोज IBM है, IBM जो आपकी US की कंपनी है, लेकिन उसकी 85 ब्रांचेस हैं, तो ये जो 85 ब्रांचेस हैं, ये इनके पास एक सिंगल ERP है, और ये सिंगल ERP जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है आपका
सेम अकाउंटिंग होती है वर्ल्ड वाइड। तो चूंकि वर्ल्ड वाइड सेम अकाउंटिंग होती है तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बहुत बढ़ने लगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन बहुत बढ़ने लगा। तो यूनाइटेड नेशन ने ये कोड अडॉप्ट किया अपनी जनरल असेंबली 1996 में। 1995 के बाद विंडोज़ वगैरह आ गया और 1996 में उन्होंने ये कोड जो है अडॉप्ट किया। तो बेसिकली ये कोड क्यों अडॉप्ट किया गया, ये कोड इसलिए अडॉप्ट किया गया क्योंकि एक अल्टरनेटिव पैदा हो सके, एक अल्टरनेटिव लीगल जामा पहनाया जा सके एक अल्टरनेटिव को। पहले क्या होता था, पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन होता था, पेपर बेस्ड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन होता था, लेकिन अब हमें अल्टरनेटिव चाहिए था, ई कॉमर्स चाहिए था, ई कॉमर्स को लीगल जामा पहनाना था, ई कॉमर्स के रूट से राइट्स और लाइबिलिटीज क्रिएट करने थे, लीगल राइट्स और लाइबिलिटी क्रिएट करने थे, तो इसलिए ये कोड पास हुआ। दूसरा रीज़न था कि यूनिफॉर्मिटी लाई जाए, मतलब जो पहले पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन होते थे, पेपर बेस्ड स्टोरेज ऑफ डेटा होते थे, लेकिन अब क्या होता था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बढ़ गया तो सारी कंट्रीज़ में ये कोशिश की गई एक यूनिफॉर्मिटी लाई जाए, एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट की जाए, लॉ में यूनिफॉर्मिटी क्रिएट की जाए। तो ऐसे टाइम पर यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव लेता है और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ हैं वो उसी लॉ को देखकर कॉपी पेस्ट करते हैं जनरली। अगर प्रोग्रेसिव कंट्री, क्योंकि वो लॉ ही इतना प्रोग्रेसिव होता है कि आपको कॉपी पेस्ट करना ज़्यादा अच्छा रहता है उसका, मतलब थोड़ा सा आप चेंज करें अगर आप उसे और प्रोग्रेसिव बनाना चाहें प्रोग्रेसिव बनाएं, लेकिन कई कंट्रीज़ क्या होती हैं उसमें क्या है कि कुछ थोड़ी नेगेटिव उसको रिग्रेसिव बना लेती हैं। जो यूनाइटेड नेशन जिस तरीके से जिस स्टैंडर्ड से जो लॉ भेजता है, जनरली कंट्रीज़ जो बाकी कंट्रीज़ हैं उसको थोड़ा सा अमेंड करती हैं और रिग्रेसिव बना लेती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में है, इंडिया में आपका ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया और अभी 69 में डाल दिया, उसमें डाल दिया गया था वो सेक्शन 69 ने, यूनाइटेड नेशन ने नहीं बोला था, लेकिन इंडिया ने जब बनाया तो उसके बाद अमेंड किया उसे, सेक्शन 69 ने उसमें डाल दिया जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो कहने का मतलब ये यूनाइटेड नेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं और मॉडल इस जो मॉडल लॉ है जो UNCITRAL ने जो ये मॉडल लॉ जो पास करवाई, जो जनरल असेंबली से पास कराई, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमारी स्टडी में दिए हुए हैं, वो हमें पढ़ने हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि जो नेशनल लेजिस्लेटर हैं, जो कंट्री के लेजिस्लेटर हैं, उनको अवेयरनेस हो जाए, उनके पास एक रिकमेंडेड स्टैंडर्ड आ जाए, रिकमेंडेड कोड आ जाए जिसके बेसिस पर वो अपनी कंट्री में लॉ बना सकें। कई कंट्रीज़ में अवेयरनेस नहीं होती, कई कंट्री बहुत छोटी होती हैं, जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं उसमें क्या होता है कि इनएडिक्वेट लेजिस्लेशन होता है, वो लेजिस्लेशन बनाती है तो इनएडिक्वेट लेजिस्लेशन बनाती है। जैसे मालदीव जैसी कंट्री है उसमें बहुत कम लोग रहते हैं, तो मालदीव जैसी की कंट्री वहाँ पर प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ पर उतना स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। तो अगर उनके पास एक मॉडल ड्राफ्ट है तो उसे अडॉप्ट कर सकते हैं और उससे क्या होगा कि एक सारी कंट्रियों के बीच में एक सिक्योर लीगल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, सारी कंट्रियों के बीच में ट्रेड बढ़ेगा, स्मूदनिंग ऑफ ट्रेड होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीन से अगर आप कर रहे हो और उसके स्टैंडर्ड्स हैं और सारी कंट्रीज़ के स्टैंडर्ड्स तकरीबन एक सा हैं तो ट्रेड जो है मैं रिलायबिलिटी बढ़ेगी, उसमें डिपेंडेबिलिटी बढ़ेगी। उसमें ये होगा आप किसी दूसरी कंट्री में जाओगे तो आपको पता होगा जैसे इंडिया में ट्रेड होता है, जैसे इंडिया में इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें होती हैं बाहर उसी तरीके से होती हैं, तो जब दूसरी कंट्री में जाओगे तो आपको सोचना समझना नहीं पड़ेगा। तो ट्रेड होने में स्मूथ ट्रेड होगी। अगर मान लीजिए सपोज हम किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम ईजिली जितने फैक्टर कम हो, जितने फैक्टर कम हो उतना अच्छा, प्रोजेक्शंस में उतना अच्छा होता है, तो हम रिस्क ले सकेंगे, प्रोजेक्शंस कर सकेंगे, सोच सकेंगे और ट्रेड स्मूथनिंग अप होगा। उसके अलावा क्या है कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी थी हमें ई कॉमर्स और पेपर बेस्ड ट्रांजेक्शन में। पेपर बेस्ड ट्रांजेक्शन के पीछे बहुत सारी लॉज थी लेकिन ई कॉमर्स में एक प्रोग्रेसिव लॉज नहीं थी, प्रोग्रेसिव सेट ऑफ कोड नहीं थे। तो हमें ऐसा करना था कि ई कॉमर्स और बढ़े क्योंकि ई कॉमर्स एफिशिएंट हो रहा था, ई कॉमर्स धीरे धीरे बढ़ने वाला था और ई कॉमर्स और बढ़ने वाला है। तो 1996 में वो ब्रेक थ्रू टाइम था जो जब ई कॉमर्स धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो उस टाइम पर हमें क्या करना था कि जो आपके एक ऐसा कोड हो जो इन सब चीज़ों को फैसिलेट करे। तो यूज़र बेस्ड जो सॉरी
जो पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन के यूज़र हैं और जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन के यूज़र हैं उनके बीच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाए। तो उसी के अनुसार हमारे वहाँ इंडिया में भी जो UNCITRAL है उसके कोड्स का कंसिडरेशन हुआ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल लाया गया 1999 में, जो कि पास हो गया 2000 में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना, और फिर उसके बाद आपका 2008 में उसे अमेंड कर दिया गया और उसमें एक सेक्शन 69A ज़बरदस्ती डाल दिया गया, ताकि क्योंकि कंट्रीज़ रिग्रेसिव होते हैं, वो उतना प्रोग्रेसिव नहीं होते हैं, गवर्नमेंट कंजर्वेटिव होती हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करना चाहती हैं, जहाँ कंट्रोल करना चाहिए वहाँ तो नहीं करेंगे, जब दूसरी जगह करना चाहती हैं। तो बाद में उसे कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ समय पहले, और वो स्ट्राइक डाउन कर दिया। और यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है, जो एक्ट है वो उसके नीचे है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में एक्ट नहीं जा सकता। अगर एक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे सेक्शन 69 आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के विरोध में था, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो सुप्रीम है, उसके विरोध में कुछ नहीं हो सकता। तो एक्ट जो था हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसमें सेक्शन 69A उसके विरोध में था, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हुए। तो UNCITRAL के कुछ मॉडल लॉज हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में, और उसके कुछ जनरल प्रोविजंस हैं, और वो जो है किसी भी डेटा मैसेज पर अप्लाई करते हैं, और ऑब्वियसली जब वो डेटा मैसेज पर अप्लाई करेंगे तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में अप्लाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज़ ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ में अप्लाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं, वो डेटा के थ्रू होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जाते हैं। बेसिकली डेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स मूव कर रहे होते हैं। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं इस कोड में, जिसके जिसके बारे में हमें समझना इंपॉर्टेंट है, और उसके बारे में हमारी स्टडी में दिया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि लीगल रिकॉग्निशन होगी डेटा मैसेज की, एडमिसिबिलिटी की, और तीसरा एविडेंशियल वेटेज की, जो डेटा मैसेज के एविडेंशियल वेटेज की। कहने का मतलब ये है कि पहले क्या था, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सिग्नल्स में आपसे कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ या कोई डेटा आया, कोई मैसेज आया, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। आज की डेट में जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रिप्शन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया गया है। आज की डेट में ये हो सकता है कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करे तो डिजिटली साइन हो, दोनों डिजिटली साइन कर सकते हैं, और वो एग्रीमेंट लॉ में वैलिड होगा। तो कहने का मतलब ये है, उस इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट की लॉ में वैलिडिटी होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया सपोज आप क्या करते हो, पेपर में साइन करते हो, और फिर उसके बाद पेपर होता है उसमें एग्रीमेंट बनाते हो, आपका CFO या CEO साइन करता है, दूसरी कंपनी साइन होती है, दोनों जगह साइन होने के बाद क्या होता है कि एक बार जब ये दोनों साइन कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि आप एक कॉपी आपके पास होती, एक कॉपी उस कंपनी के पास होती, और फिर आप उसको स्कैन करते हो और सेव कर देते हो। लेकिन पेपर होता है, पेपर जो ओरिजिनल कॉपी क्या होती है, पेपर होती है, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स है, डिजिटल इंक्रिप्शन, लीगल इंक्रिप्शन, लीगैलिटी ऑफ इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन को लीगल जामा अगर पहना दिया जाए, और जो कि पहना दिया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अनुसार, आज की डेट में आपको कोई पेपर में साइन करने की ज़रूरत नहीं, आप वर्ड डॉक्यूमेंट में बनाओ, उसको दूसरे आदमी को भेजो, एक बार वो वेट हो जाए तो उसको उस डॉक्यूमेंट को जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक में रखो और उस पर डिजिटल सिग्नेचर चला दो। अब आपके पास प्राइवेट की होगी अपनी, दूसरी कंपनी के पास अपनी प्राइवेट की होगी, तो दोनों अपने डिजिटल सिग्नेचर चला दो, उसमें एक कॉपी उसके पास चली जाएगी, एक कॉपी आपके पास चली जाएगी, अब कोई भी व्यक्ति दोनों की पब्लिक की सबके पास अवेलेबल होगी, उसको देख कर इनक्रिप्ट कर सकता है इसको। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें कोई पेपर की जरूरत ही ना पड़ी, तो इसको लीगल जामा, इसको लीगल स्टेटस देने के लिए एक लॉ की जरूरत थी, और ये लॉ सबसे पहले एक मॉडल लॉ या मॉडल कोड UNCITRAL ने बताया, और फिर हिंदुस्तान में जो हमारी गवर्नमेंट है उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल 1999 में लेकर आया, 2000 में वो एक्ट बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में वो एडमिसिबल भी है, वो उसको एविडेंस के रूप में वेट भी करता है, मतलब लॉ के सामने अगर खड़े हो जाओगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक, आजकल इलेक्ट्रॉनिक कोड्स भी हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा
पहले क्या होता था, इन राइटिंग में होना चाहिए था एग्रीमेंट, जनरली ओरल एग्रीमेंट भी होता था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है ओरल एग्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन ओरल एग्रीमेंट कहीं पर उसकी, क्योंकि एविडेंस नहीं होता है ओरल एग्रीमेंट का, तो इसने कहा मतलब उसमें प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, लीगल प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, आप प्रूव नहीं कर सकते हो कि एग्रीमेंट में यही कहा था, यही वर्ड कहे थे, एग्जैक्ट ये कहे थे, तो इन राइटिंग में मैं होता था। और दूसरी बात यह होती थी कि एक ओरिजिनल कॉपी होती थी, जब आप कोर्ट में जाते थे तो आपको ओरिजिनल कॉपी पेश करनी पड़ती थी, यानी कि ओरिजिनल कॉपी आप पेश करोगे, अगर मान लीजिए सपोज आपने किसी ड्राइव में उस एग्रीमेंट को सेव किया, तो वो फोटो कॉपी की नहीं चलेगी कोर्ट में, कोर्ट में उस एविडेंस पर क्वेश्चन किया जा सकता है, और उस टाइम पर आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो दिखाना पड़ेगा। और कई बार अगर आप दूसरी पार्टी रिफ्यूट कर देगी, कहेगी ये मेरा सिग्नेचर नहीं है, तो फिर वो फॉरेंसिक के पास जा सकता है और वो उसे देख सकते हैं कि ये एग्रीमेंट है कि नहीं है, मतलब क्वेश्चन किया जा सकता है उस पर, मतलब वो एक फ्रॉड हो गया एक तरह से। तो ओरिजिनल कॉपी का बहुत महत्व था, पहले ओरिजिनल कॉपी रखी जाती थी। तो ओरिजिनल कॉपी कौन सी होगी, इस चीज़ को एड्रेस किया, क्योंकि एक बार डिजिटली साइंड हो गया, डिजिटल वे में साइंड हो गया, तो ओरिजिनल कॉपी कोई भी कॉपी जो डिजिटली साइंड है, और उसकी भी जो हमने कॉपी भेज रहे हैं, जो हम भेजेंगे वो भी कॉपी होगी, वो इनक्रिप्टेड कॉपी होगी, वो डिजिटल, तो मल्टीपल ओरिजिनल कॉपी क्रिएट की जा सकती हैं, मतलब ये क्लियर नहीं था, मतलब जब ये लॉ आया तो ओरिजिनल कॉपी का कॉन्सेप्ट था, ओरिजिनल कॉपी कौन सी होगी, यहाँ पर मल्टीपल ओरिजिनल कॉपी क्रिएट की जा सकती है, इन राइटिंग में होने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार डिजिटल सिग्नेचर चला दिए, एक बार आपने प्राइवेट की चला दी और दूसरे आदमी ने प्राइवेट की चला दी उस डॉक्यूमेंट में, तो वो डिजिटली साइंड हो गए, साइंड होने के बाद उसके ऑथेंटिकेशन के लिए पब्लिक की से उसे डिक्रिप्ट किया जा सकता है और देखा जाता है, दोनों की पब्लिक की जो है अवेलेबल होती है, उसे डिक्रिप्ट करके देखा जा सकता है। तीसरा चीज़ था कि ऑथेंटिकेशन, डेटा मैसेज का ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, तो इंक्रिप्शन हमने पूरा पढ़ा हुआ है, इंक्रिप्शन जो इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है उसमें क्या है, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की होती है, उसमें जो आपके डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, इंक्रिप्शन कहें उतना अच्छा वर्ड नहीं है, डिजिटल सिग्नेचर्स कहें, क्योंकि इंक्रिप्शन जो है डिजिटल सिग्नेचर्स का एक पार्ट होता है, तो डिजिटल सिग्नेचर्स जो होते हैं वो उसका आप यूज़ करते हो, उससे क्या है ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है और आइडेंटिफिकेशन भी किया जा सकता है कि ये इसी बंदे से आया, नॉन रेपुटेशन भी वहाँ पर होता है, ये सब चीज़ हमने पढ़ी थी। तो उस टाइम पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर करना पैदा करना था जो बाद में पैदा हुआ, डिजिटल सिग्नेचर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, यानी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, PKI जिसे बोला गया, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा हुआ, और उसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट ने लॉ पास किया और उसके बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, आज की डेट में वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड है, आज की डेट में आप डिजिटली चीज़ों को साइन करते हो। दूसरी बात कि रिटेंशन ऑफ डेटा मैसेज, मैसेज को कैसे रिटेन किया जाएगा, कितने समय तक रिटेन किया जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स की वैलिडिटी, मतलब किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स की वैलिडिटी क्या होगी, उसके बाद स्पेसिफिक एरियाज होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है या सिक्योर साइट्स हैं, तो उन सब चीज़ों के रिलेटेड एक लीगल कोड होना चाहिए था, और वही लीगल कोड UNCITRAL ने बनाया। उसके अलावा क्या था कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका डेटा मैसेज है, आपने किस टाइम पर डिस्पैच किया, कब साइन हुआ, कब रिसिप्ट हुआ, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट कैसे भेजी जाएगी, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को एक लीगल जामा पहनाना था। तो कहने का मतलब ये है, इन सारे कई बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो हमने UNCITRAL के मॉडल लॉ ने एड्रेस किए, और उसके आने के बाद 1996 में वो UN असेंबली में पास हुआ, और जब वो UN असेंबली में पास हुआ तो उसने कई कंट्रीज़ ने उसके बाद उसको देखते हुए लॉ बनाया, इवन इंडिया जैसी कंट्री ने उसके बाद लॉ बनाया, 1996 में पास हुआ, 1999 में बिल आया, मतलब 3 साल बाद बिल आया, और 2000 में वो एक्ट बना, यानी कि उसके पास होने के 4 साल बाद इंडिया जैसी बड़ी कंट्री जागी और उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया, उन्हीं लाइंस में बनाया, थोड़े से चेंजेस किए, थोड़ा सा रेग्रेसिव लॉ उसे बनाया,
जो कि हम बाद में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्ट्राइक डाउन किया और उसी लॉ के अनुसार आज की डेट में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है वो उसमें वैलिडिटी है, उसमें उसको लीगल सैंक्शन है, उसमें राइट्स और लाइबिलिटी क्रिएट होते हैं। आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिकली साइन हो सकते हैं, दो अभी हमारे कंट्री में उतना ज़्यादा उसका प्रेवलेंस नहीं है लेकिन हो सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आज इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल सिग्नेचर से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि, और इन सब चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो जो वाला चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से डिजिटल सिग्नेचर्स ये सारी चीज़ों को, इनमें से मोस्ट ऑफ चीज़ों को लीगल जामा पहनाने में हेल्प करता है। मतलब कैसे नॉन रिपुटेशन क्रिएट हो जाता है, कैसे आप एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्रिएट करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर कौन अथॉरिटी देगी, उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर्स में पब्लिक की क्या होगी, प्राइवेट की क्या होगी, इंक्रिप्शन कौन सा यूज़ किया जाएगा, इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड कौन सा यूज़ किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में क्रिएट हो चुका है। तो बेसिकली इसको समराइज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि यूएन जो है ये सारी चीज़ों में इनिशिएटिव लेता है और यूएन ने एक इनिशिएटिव लिया और वो इनिशिएटिव के कारण अलग अलग कंट्रीज़ ने जो है अपने वहाँ लॉ बनाए। और अब दूसरा टॉपिक हमारे वहाँ है सोर्वन ऑक्सलेज एक्ट 2002। 2002 के आसपास जो है इनरॉन और वर्ल्ड कॉम कॉर्पोरेट फेलियर हुआ, सीरीज ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर्स में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी थी, जाइंट कंपनीज थी, इनरॉन जैसी जाइंट कंपनी, वर्ल्ड कॉम जैसी जाइंट कंपनी बैंकरप्ट हो गई, जाइंट फेलियर्स हो गए। मतलब जब देखा गया तो पता चला कॉर्पोरेट गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, और फिर देखा तो पता चला इनएफेक्टिव डिस्क्लोजर है और रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस सही नहीं है। असल में हुआ क्या कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिकली ई कॉमर्स बढ़ने लगा, धीरे धीरे इंफॉर्मेशन फैलने लगी। आज की डेट में जैसे आपका सोशल मीडिया है, चीज़ें बड़ी तेज़ी से फैलती हैं, तो US वगैरह में ये स्टार्ट होने लगा। पहले ऐसा नहीं हुआ, पहले भी बहुत सारे फेलियर्स हुए थे लेकिन सॉक्स लाया इसलिए नहीं गया क्योंकि वो टाइम नहीं था, उस कई चीज़ों को आने का टाइम होता है। एक पर्टिकुलर लेवल तक टेक्नोलॉजी मैच्योर होती है तो फिर नई चीज़ें आती हैं, नए स्टैंडर्ड्स आते हैं, क्योंकि उन स्टैंडर्ड्स को लाया जाता है, कॉस्ट इफेक्टिवली लाया जा सकता है, उसको लाने में उतनी ज़्यादा ईज़ हो जाती है, टेक्नोलॉजी उसे लाने में ईज़ कर देती है। तो कहने का मतलब ये है टाइम राइट था, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक लेवल तक बढ़ गया था, स्टॉक मार्केट वगैरह में डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती चली गई थी। अगर डिस्क्लोजर में कहीं कोई गड़बड़ी होती थी तो जो उपभोक्ता थे, जो वहाँ पर शेयर होल्डर थे, जो शेयर्स के उपभोक्ता थे यानी कि शेयर होल्डर्स थे, वो बड़ी जल्दी ऑफेंड हो जाते थे। अगर मान लिया कोई इन्फॉर्मेशन सही नहीं आई, कोई उनको पता चला कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो वो जो मार्केट में शेयर्स वगैरह बेचने लगते थे तो वो उनका वैल्यू डाउन हो जाती थी उन कंपनीज की। दूसरी बात यह है कि क्योंकि 2000 की बात थी तो बहुत सारी कंपनी अचानक पैदा हो रही थी, गूगल जैसी कंपनी है और ये है, कल की डेट में वो कुछ कंपनी थी और रातों रात वो कंपनी पैदा हो रही थी और बहुत सारी कंपनी बैंकरप्ट हो रही थी क्योंकि बिजनेस टेक्नोलॉजी पैराडाइम शिफ्ट कर रही थी, पैराडाइम लेवल से शिफ्ट कर रही थी। और उससे पहले उसके जैसे 1990 से पहले का पीरियड देखें तो दुनिया उतनी तेज़ी से मूव नहीं करती थी। मतलब ऐसा था कि 90s आते आते पूरा कम्युनिस्ट ब्लॉक गिर गया, उसके बाद बहुत सारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई, अचानक नई कंपनी पैदा हो गई, अचानक नई डेमोक्रेसीज पैदा हो गई, अचानक इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स बढ़ने लगा, ग्लोबलाइजेशन हो गया, इंटरनेट आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो अब ये इन्वायरमेंट बिल्कुल चेंज हो चुका था। अब यहाँ पर इनएफेक्टिव डिस्क्लोजर या रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस शेयर होल्डर्स बर्दाश्त नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, पैसा लगाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी और कंपनी में कंपटीशन बढ़ गया था। अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होती थी कंपनी रातों रात बैंकरप्ट हो सकती थी। तो यही हुआ आपका एनरॉन और वर्ल्ड कॉम के साथ, यही हुआ। वो फ्लक्चुएटिंग इन्वायरमेंट में उनके स्टैंडर्ड्स उतने ऊपर नहीं थे तो सॉर्बन ऑक्सलीज लाया गया। सॉर्बन ऑक्सलीज को सॉक्स भी कहते हैं और 2002 में ये पर्टिकुलर लॉ जो है अडॉप्ट कर ली गई। और ये लॉ जो है प्राइमरीली जो पब्लिकली हेल्ड कंपनीज है, US की पब्लिकली हेल्ड कंपनीज हो, उस पर ये लॉ लगती है। तो सॉक्स में दो सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दफ़ा 302 है और एक दफ़ा 404 है, मतलब 404 है और एक 302 है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं सॉक्स में।
और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करते हैं, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी CEO CFO में करते हैं। यानी कि अगर मान लिया सपोज अगर कुछ जो एक मटेरियल एक लेवल से ज़्यादा झूठ बोला आपने और अपरेंटली पता चल गया कि झूठ बोल दिया, तो आपको जेल हो जाएगी। CEO CFO को मतलब लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा, वायलेशन के लिए बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी बढ़ा दी गई, और उसके बाद रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी गई, और फिर कहा गया CEO CFO इसे साइन करेंगे और पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे इन सब चीज़ों के। यानी कि अगर कुछ होगा तो पहले क्या होता था, कंपनी की लाइबिलिटी होती थी, कुछ हुआ तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती थी, पब्लिकली हेल्ड कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी होती थी। उन्होंने कहा ना जी, CEO और CFO की लाइबिलिटी होगी, लॉ कहता है कि कॉर्पोरेट वेल को थोड़ा सा हटा दो और CEO और CFO को लाइबल बनाओ। तो जी, ये लेजिस्लेशन लाया गया, और ये लेजिस्लेशन क्यों लाया गया, ताकि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें एनहेंस किया जाए, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को एनहेंस किया जाए, क्वालिटी बढ़ाई जाए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर इंटरनल कंट्रोल्स की जो क्वालिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, उसको बढ़ा दिया जाए। उसके बाद उसमें ये कहा गया कि जो इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग फर्म्स हैं, वो जो एश्योरेंस एग्रीमेंट कर रही हैं, वो दूसरे रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, कंसल्टिंग नहीं होनी चाहिए। मालूम पड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इनरॉन जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कंपनी ऑडिट भी कर रही है और उसको कंसल्टिंग भी दे रही है, तो वहाँ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है और वहाँ पर फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि आप उसे कंसल्टिंग भी दे रहे हो और कंसल्टिंग देने के बाद क्या है, आप वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाते हो, और वेस्टेड इंटरेस्ट बनने के बाद क्या है कि आप देखते हो कि इसके फाइनेंशियल सही नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या कहते हो कि भाई उसके फाइनेंशियल्स को विंडो ड्रेसिंग करने में आप हेल्प करने लगते हो उसकी, और यही हुआ था आपका इनरॉन के साथ। तो जो आर्थर एंडरसन कंपनी थी, वो एनरॉन को ऑडिट भी करती थी और उसकी ऑडिटर भी थी और उसके अलावा उसकी कंसल्टेंट भी थी, और इसके रिजल्ट में क्या हुआ, आर्थर एंडरसन कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी बिग फोर में भी सबसे बड़ी ऑडिट कंपनी थी, जो ऑडिटिंग एश्योरेंस कंपनी थी, वो ख़त्म हो गई इसी घोटाले की वजह से, इसी एनरॉन फियास्को की वजह से। तो और उससे फिर क्या है, रेगुलेटर्स ने सीखा और उन्होंने कहा कि जी इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग फर्म जो है एश्योरेंस एग्रीमेंट कर रही हैं, तो वो दूसरे कंसल्टिंग और दूसरे रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस को देखने के लिए, फॉर फॉर्मली इंडोर्स करने के लिए, एक PCAOB बनाया, यानी पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड बनाया, और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दी गई। तो सॉक्स में 11 टाइटल्स हैं और उसमें कई सेक्शंस हैं जो स्पेसिफिक मैंडेट्स और रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, और इवन ये है कि US की जो कंपनी है, जो ब्रांच है, जो इंडिया में ब्रांच है, उसको भी सॉक्स कंप्लायंट होना पड़ता है। तो सॉक्स के बारे में यहाँ पर काफ़ी जानकारी है। तो सॉक्स में दो सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 302 और 404। और 302 सिंपल ये कहता है CEO और CFO की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तो यानी वो, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उससे पूरा स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन चेंज हो जाता है कंपनी का। CEO और CFO को अगर आप कहोगे कि तुम्हें जेल होगी, बाकी कुछ होगा, तो फिर तो कंपनी दूसरे तरीके से काम करने लगती है, क्योंकि पहले होता कि CEO CFO को उतना प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन इसके बाद उससे प्रॉब्लम होने लगी। तो सॉक्स में मैंने सर्वनॉक्सली एक्ट में मैंने बताया कि जो पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड बनाया गया, उसके बाद ऑडिटर्स की इंडिपेंडेंस बढ़ा दी गई। कैसे बढ़ा दी गई, उनसे कहा गया अगर तुम ऑडिटर के रूप में काम कर रहे हो तो भैया कंसल्टेंट के रूप में तुम काम नहीं करोगे। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी गई। कैसे बढ़ा दी गई, CEO CFO से कहा कि भैया तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर गड़बड़ी हुई तो डंडा तुम्हें पड़ेगा। उसके बाद फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स बढ़ा दिए गए, जो पहले तो हर एनुअल रिपोर्ट जो है उसमें एक इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी कर दी गई। इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट मतलब और भी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर बढ़ा दी गई। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हटाने के लिए कई प्रोनाउंसमेंट्स आए। उसके बाद कमीशन रिसोर्स और अथॉरिटी को डिफाइन किया गया। उसके बाद बहुत सारी स्टडीज़ आई, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, आपके कॉर्पोरेट और क्रिमिनल फ्रॉड की रिपोर्ट्स आई और उसकी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर दी गई। वाइट कॉलर क्राइम्स की पेनल्टी बढ़ा दी गई। पहले वाइट कॉलर क्राइम्स उतने बुरे नहीं माने जाते थे, उतना उसमें उम्र कैद ये सारी सजाएं नहीं होती थी, उसमें छोटी सजाएं होती थी वाइट कॉलर क्राइम में, क्योंकि उतना बड़ा फ्रॉड कोई नहीं करता था। उतना बड़ा फ्रॉड करता था तो उसका नाम हो जाता था, मतलब सालों साल उसका नाम होता था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक वो
एक कुछ चड्डा करके था, मैं नाम भूल रहा हूँ, और उसके बाद फिर हर्षद मेहता ही आया। ये दो कुछ वाइट कॉलर क्राइम्स जो हैं बहुत कम होते थे, होते थे तो उतनी पेनल्टी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि लार्ज स्केल में नहीं हो रहे थे, और चूंकि लार्ज स्केल में नहीं हो रहे होते थे तो लॉ लीनियंट रहता है। लॉ तब होता है जब लार्ज स्केल में कोई चीज़ें होने लगती है। तो वाइट कॉलर क्राइम की पेनल्टी बढ़ा दी गई, कॉरपोरेट टैक्स रिटर्न्स में डिस्क्लोजर बढ़ा दिए गए, कॉरपोरेट फ्रॉड की अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दी गई। तो यानी कि ये सारी चीज़ों को इंक्रीज़ कर दिया गया, मतलब कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिजोल्यूशन, वाइट कॉलर क्राइम की पेनल्टी बढ़ा दी गई। तो उसमें सॉक्स में ये सारी चीज़ें गई हैं। अब सॉक्स में जैसे मैंने बोला, दो सेक्शन है, 302 और 404 है, वो जो कि स्पेसिफिकली कहते हैं कि पब्लिक कंपनी को अपने इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करना, पहले तो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर इवेल्युएट करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी, ऑपरेशनल इंटेग्रिटी और डिस्क्लोजर की रिपोर्टिंग होगी, मतलब आप उसको छुपा कर नहीं बैठ सकते, एक्सप्लिसिटली आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारे वहाँ कारो रिपोर्ट है, उसी तरीके से ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो सेक्शन 302 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 302 आप ऐसे भी याद कर सकते हो, दफ़ा 302, ये दफ़ा 302 ही है, सीईओ सीएफओ के लिए, जो कंपनीज़ के पब्लिक कंपनीज़ के यूएस में सीईओ और सीएफओ हैं, तो वो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में ये सेक्शन बोलता है। और ये बोलता है कि सीईओ और सीएफओ किसी भी जो कंपनी के जो इशूअर है, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इशू कर रही है, यानी जो कंपनी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रही है और उसके बाद उसको इशू कर रही है, तो जब भी वो इशू करेगी तो उसके साथ ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए और उसमें एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है, और दूसरा डिस्क्लोजर्स हैं, पूरे डिस्क्लोजर्स हैं, और उसके अलावा क्या है कि सारे मटेरियल एस्पेक्ट को फेयरली प्रेजेंट करता है, और ऑपरेशनल कंडीशन बताता है सही तरीके से बताता है, फाइनेंशियल कंडीशन बताता है सही तरीके से बताता है। तो ये सारी चीज़ें इशूअर कंपनी में सीईओ और सीएफओ की लाइबिलिटी हो जाएगी जब वो इशू करेगा। ये स्टेटमेंट जो वो इशू कर रहा है, ये इसमें ये पर्सनली लाइबल हो जाएंगे सीईओ सीएफओ, और वो पर्सनली लाइबल करने के लिए उनको सिग्नेचर्स करने पड़ेंगे, मतलब यानी सर्टिफाई करना पड़ेगा। जो साइनिंग ऑफिशल्स, ये दोनों साइनिंग ऑफिसर्स होंगे और साइनिंग ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे इंटरनल कंट्रोल के लिए, मतलब और पर्सनली उन्होंने इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएट करना चाहिए, कम से कम पिछले 90 दिन तक करना चाहिए, यानी कि आज वो साइन कर रहे हैं तो 90 दिन तक इंटरनल कंट्रोल की इवेल्युएशन की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उसकी फाइंडिंग्स वो रिपोर्ट करेंगे। अगर एक वायलेशन हो जाएगा, इस सेक्शन का कोई भी वायलेशन होता है तो जो है, और ये नोइंग और इंटेंशनल वायलेशन हुआ तो इसमें लाइबिलिटी आ जाएगी। इसमें प्रूफ करना पड़ेगा सीईओ और सीएफओ को, कि हमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है सीएफओ और सीईओ के पास होगा। तो सेक्शन 302 सिंपल सी चीज़ करता है, सीईओ और सीएफओ को रिस्पॉन्सिबल बना देता है। उससे कहता है कि तुम इस कंपनी के इशूअर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, जिसके साथ वो ऑडिट रिपोर्ट भी देनी पड़ती है और उस पर सीईओ और सीएफओ को साइन कराना पड़ता है, तो पर्सनली उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। हमारी कंपनी है, हमारी जो इंडिया में है उसमें जनरली डायरेक्टर साइन करते हैं, लेकिन क्या है कि कई कंपनी सीएफओ के साइन करा देते हैं, कई ऑडिटर्स आजकल सीएफओ के साइन कराने लगे हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम सीएफओ हो, पर्सनली तुम लायबल हो। इसके अलावा एक सेक्शन 404 है, वो इंटरनल कंट्रोल का मैनेजमेंट असेसमेंट है, यानी कि हर एनुअल रिपोर्ट के साथ इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट होनी चाहिए और इस कंट्रोल रिपोर्ट में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़, इसको ये रिपोर्ट एक्सप्लिसिटली कहेगी कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल को एस्टेब्लिश करने की, मेंटेन करने की, और ये इंटरनल कंट्रोल जो स्ट्रक्चर जो ये बनाएंगे वो एडुकेट होना चाहिए और प्रोसीजर्स होने चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के। अब आप कहोगे ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, लेकिन जब आप एक्सप्लिसिटली कहते हो कि हाँ ये है और मैं कह रहा हूँ है और मैं ये साइन कर रहा हूँ, तो आप पर्सनल लाइबिलिटी ले लेते हो। कहने का मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, कहने का मतलब कल आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है।
पहले ऐसा नहीं होता था, जब भी कुछ होता था तो लोग ब्लेम गेम डालते थे एक दूसरे पर। अब आपके उस ऑडिट रिपोर्ट जो इश्यू हुई है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें सीईओ सीएफओ के साइन है। आप ये नहीं कह सकते हो मैंने नहीं देखा। आपको आप ये कहोगे कि 90 दिन तक मैं देख रहा, पिछले 90 दिन तक कम से कम मैंने देखा, और मुझे पता है कि पिछले 90 दिन तक इंटरनल कंट्रोल बिल्कुल सही थे, मैंने इन्हें इवेल्युएट किया इसके सिग्नेचर से 90 दिन पहले की सिचुएशन को इवेल्युएट किया, और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। ये आपको सेक्शन 302 में कहना पड़ेगा, और सेक्शन 404 में आपको एनुअल रिपोर्ट के रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपको ये बोलना पड़ेगा कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर एडुकेट है, यानी आगे आकर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और फिर उसमें एक असेसमेंट होगा फिस्कल ईयर के एंड में कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर की क्या इफेक्टिवनेस है, क्या प्रोसीजर्स हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इशू करने के, मतलब जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप इशू कर रहे हो उसको इशू करने के क्या प्रोसीजर्स हैं, वो प्रोसीजर्स और ये जो है आपको एनुअल रिपोर्ट में एनुअल रिपोर्ट में एक इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट होगी, उसमें ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी सेक्शन 404 के अंतर्गत। उसके अलावा ऑडिटर को भी अटेस्ट करना पड़ेगा ये जो मैनेजमेंट कह रहा है वो सही कह रहा है, यानी कि मैनेजमेंट पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा फिर ऑडिटर उसको अटेस्ट करेगा। अगर ये अटेस्टेशन गलत होता है तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, मैनेजमेंट की तो होती ही होती है, ऑडिटर की होती ही होती है। तो इसलिए मैनेजमेंट ऑडिटर से बोलेगा, जो सीईओ सीएफओ कहेंगे भैया ऐसा है कि मैं जेल जा सकता हूँ इसलिए सही तरीके से ऑडिट करो, ऑडिटर सीईओ सीएफओ से कहेगा भाई साहब आप जेल जा सकते हो और मैं भी मेरी भी प्रैक्टिस विथहेल्ड हो सकती है, मेरे ऊपर भी पेनल्टीज लग सकती हैं, मेरी भी रोजी रोटी का सवाल है, आप मुझे सही तरीके से चीज़ें बताओ, सारी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल कराओ, कहीं पर वेस्टेड इंटरेस्ट बन के बैठो नहीं। तो सिंपल इतना करने से जो है ये लॉ जो है काफ़ी इफेक्टिव बन गया, और इसके अलावा उन्होंने जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ाई। तो बेसिकली क्या है कि ये जो अटेस्टेशन है पब्लिक कंपनी है तो उसके आपके शेयर होल्डर के पास जाएगा, उनके साथ आप बेमानी नहीं कर सकते हो, आप सेपरेट अटेस्टेशन नहीं कर सकते हो इन सब चीज़ों का, जैसे इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट वगैरह का सेपरेट अटेस्टेशन नहीं कर सकते हो, 404 के अनुसार एनुअल रिपोर्ट के साथ ही इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट जानी चाहिए, आप बेमानी नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब रिपोर्ट दोगे तो पूरी रिपोर्ट दोगे, हर एक आदमी को दोगे और फिर हर एक आदमी के पास रिपोर्ट आ जाएगी, और उसमें सीईओ सीएफओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और सीईओ और सीएफओ को अटेस्ट कर रहा होगा ऑडिटर, और ऑडिटर कह रहा होगा सीईओ सीएफओ जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, पहले सीईओ सीएफओ कहेंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने देखा है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये सही है, सारे कंट्रोल्स 90 दिन पिछले 90 दिन के लिए जो कंट्रोल्स लगे हैं वो सही लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ सीईओ सीएफओ कहेगा, और उसके बाद ऑडिटर से कहेगा कि भैया जो मैं कह रहा हूँ उसे अटेस्ट कर दो, तो ऑडिटर उसके बाद साइन करेगा, अटेस्ट करेगा कि ठीक है हाँ जी ये सही कह रहा है। तो यानी कि अगर कुछ गड़बड़ हो रही है डूबेंगे तो सब जाएंगे, मतलब एनरॉन जैसा, जैसे फॉर एग्जांपल सत्यम जैसा घोटाला हुआ, जैसे अभी राजू को 7 साल की जेल हुई, तो ये सारी चीज़ें को प्रिवेंट करने के लिए ये डिस्क्लोजर्स को जो आपके डिस्क्लोजर्स हैं उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए, ये सारी चीज़ें प्रिवेंट करने के लिए सॉर्वन एक्सले एक्ट आया। तो बेसिकली अगर इसे हम समराइज़ करें तो हम ये कहें कि पहले यूनाइटेड नेशन आया और यूनाइटेड नेशन ने 1996 में कोड दिया, कोड देकर एक लीगल जामा पहनाने की कोशिश की, और फिर कई कंट्रियों से कहा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को लीगल जामा पहनाओ, हमारा ये कोड है इसके अनुसार अपने वहाँ लॉ पास करो। इंडिया में भी उसी के अनुसार लॉ पास किया गया, 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पार किया गया, 1999 का बिल था, 1996 में यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन पास किया अपनी असेंबली में, और किस लिए किया था, ई कॉमर्स के बढ़ने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि 2002 के आसपास एनरॉन फियास्को हो गया, वर्ल्ड कॉम फियास्को हो गया, तो उसके बाद जो यूएस गवर्नमेंट जागी, उसने कहा कि एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, आज की डेट में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट और बढ़नी चाहिए, दिन प्रतिदिन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जानी चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर को ये तो पता होना चाहिए कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था 50 साल तक कंपनी चलती थी, उसके बैंकक्रप्ट होने के चांसेस बहुत कम होते थे, एक बढ़िया कंपनी है, फॉर्च्यून 500 कंपनी है, तो सालों साल चलेगी, उसको बनने में सालों साल लगते थे। अब क्या हुआ,
रातों रात कंपनी खड़ी होती थी और वो बहुत पावरफुल हो जाती थी। कल की डेट में कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी, वो कंपनी ऑब्सोलीट हो जाती थी। एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा रही, बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट लगा रही, और वो प्रोजेक्ट जो है लगते लगते मालूम पड़ा टेक्नोलॉजी दूसरी आ गई, वो प्रोजेक्ट ऑब्सोलीट हो गया। इस तरह की चीज़ें होने लगी। तो उन्होंने कहा कि भाई शेयर होल्डर को पता तो होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, अंदर विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए। जो ये जो क्योंकि जो उसके डायरेक्टर्स होते थे, जो मेजोरिटी शेयर होल्डर होते थे, वो चुपचाप निकल जाते थे, वो अपना फाइनेंशियली विंडो ड्रेसिंग करने लगते थे और शेयर होल्डर्स को पता नहीं चलता था, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को पता नहीं चलता था, और कई बार शेयर होल्डर्स मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को पता नहीं चलता था क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में प्रोफेशनल बैठते थे। तो उन वो मालूम पड़ा बाकी छोटे शेयर होल्डर्स हैं, किसी कोई बड़े शेयर होल्डर जो हैं वो 40% या 45% शेयर होल्डिंग लेकर पूरी कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है तो अलग अलग लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और उन्होंने ये डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं और डायरेक्टर जो हैं प्रोफेशनल्स हैं और वो उन्हीं के अनुसार काम कर रहे हैं। आपकी ऑडिट फर्म्स हैं, ऑडिट फर्म्स भी मिली हुई हैं क्योंकि उन्हें कंसल्टिंग एग्रीमेंट दे दिया, ऑडिट फर्म को कुछ पता चला, उन्होंने उसके जो उसके ऑडिट फर्म के आपके जो पार्टनर है उसको बुलाया और उससे कहा कि भैया ऐसा है कि तुम्हें हम इतने का कंसल्टिंग देते हैं। वो कंसल्टिंग के काम में करने लगा, खुश हो गया, विंडो ड्रेसिंग में आपकी हेल्प करने लगा। यही जो चीज़ें हैं आपके सत्यम घोटाले में हुई। तो इस सब को हटाने के लिए, डिस्क्लोजर को इन्हेंस करने के लिए उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। किस पर डाल दी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर नहीं डाली, CEO CFO पर डाली। सबसे ऊपर जो दो आदमी बैठे हुए हैं और रोज़मर्रा का काम देख रहे हैं, उन्होंने कहा CEO तुम कंपनी के मालिक हो, CFO तुम खाते के मालिक हो, तो तुम दोनों साइन करोगे और तुम दोनों इस पर भी साइन करोगे, इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट में भी साइन करोगे, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोगे तो दोगे और साथ में इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट दोगे, और उसमें दोनों में साइन करके तुम बताओगे कि हाँ मैंने सारी चीज़ें देखी हैं। कल की डेट में आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं देखी हैं, आप उसे देखोगे, पिछले 90 दिन से पहले सारे रिस्पॉन्सिबल हो गए इंटरनल कंट्रोल के, आपने इवेल्युएट कर दिया है, पर्सनली इवेल्युएट किया है। आप ये भी नहीं कह सकते हो कि मैं किसी और पर विश्वास कर रहा था, और कोई गड़बड़ी होगी तो आप रिस्पॉन्सिबल हो गए, और आप ये बताओगे कि एडुकेट इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है कि नहीं है, इफेक्टिव है कि नहीं है इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, प्रोसीजर्स की बताओगे क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के इशू करने के प्रोसीजर्स क्या हैं, और ये सब चीज़ बनाकर पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दोगे और उससे उसे ऑडिटर से अटेस्ट कराओगे। ऑडिटर जब देखेगा और कहेगा हाँ ये सारी चीज़ें हैं, ये सही हैं, उसके बाद जो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलीज़ होगी। तो पब्लिक कंपनी, उसके अलावा आपकी जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बढ़ा दी गई, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट भी बढ़ा दी गई, तो इससे बहुत इफेक्ट पड़ा और पर्सनल लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। और सॉवरेन एक्चुअली एक्ट जो है वो US में लागू होता है और US की सब्सिडियरी में लागू होता है, तो इंडिया में भी लागू होता है। कई जगह SOX ऑडिट करना कंपलसरी होता है। थैंक्स।